किसी का बच्चा खो गया तो किसी की घरवाली खो गई और वो अंदर से चिल्ला रहा है होए होए, पर बिल्कुल भी नहीं मिल रहे। क्या हो गया? अरे क्या हो गया? ओ भाई साहब, अरे चोट लग जाएगी, ऐसा ना करो यार। देखो देखो कितना बुरा हाल है। ओ भाई साहब, कोई गिर जाएगा नीचे। भाई जाना है पटना और यहीं पर हो जाएगी दुर्घटना, इसलिए ऐसे काम मत करना। देखो लेडीज तक को इमरजेंसी विंडो से चढ़ाया जा रहा है, इतना बुरा हाल है। तो एक चप्पल ये रहा है भाई, एक चप्पल वो पड़ी है, दो चप्पल ये पड़ी है, कितनों की चप्पलें जो है नीचे भी गिर गई है। आपने अपना मोबाइल फ़ोन और पर्स संभाल के नहीं रखा ना तो दो मिनट में कट जाएगा, और गले की चैन तो बिल्कुल छुपा के रहेंगे, कब उतर जाएगी पता भी नहीं चलेगा। अबे ऐसा मत करो, जल्दीबाजी मत करो यार, चोट लग जाएगी। अबे ओ आराम से चलो, आराम से, वो धक्का मुक्की मत करो, आराम से चलो, आराम से। इसका रिजर्वेशन है वो बाहर रह गया, और जिसका जनरल क्लास है बिना टिकट है वो सब अंदर घुस गए। भाई भाई एक सीट के लिए ना आप कभी ऐसी कोशिश मत करना, पता चला जाना है आपको पटना और यहीं पर हो गई दुर्घटना, इस चीज से आपको है बचना, दिक्कत हो जाएगी बहुत ज्यादा। भागो भागो भागो, पकड़ो पकड़ो भाई। वीडियो में दिखाए गए सभी पार्ट आपके मनोरंजन के लिए है और किसी जाति और धर्म से सबसे अलग है। आज की हमारी ट्रेन जर्नी होने वाली ट्रेन नंबर 12394 संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस के अंदर। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, आम जनता की राजधानी। आपने कभी सोचा किसी राजधानी के अंदर पैर रखने तक की जगह नहीं होती, उसमें जर्नल तो का स्लीपर भी खचाखच पैक रहते, नहीं ना, ना कभी सोचा भी नहीं होगा। तो फिलहाल संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस को बोलते हैं आम जनता की राजधानी, और इस राजधानी के अंदर पैर रखने तक की जगह नहीं होती। संपूर्ण क्रांति को सिग्नल हमेशा मिलता है, चाहे राजधानी को मिले या ना मिले, पर इस आम जनता की राजधानी को सिग्नल पहले दिया जाता है। और उसी के अलावा मैं आपको बता दूं क्यों बोलते हैं इसे आम जनता की राजधानी, इसके पीछे जो वजह है मैं आपको बताता हूं। क्योंकि 1001 किलोमीटर की जर्नी तय करती है अपने 13 घंटे 45 मिनट में अपने 5 स्टॉप के साथ। तो चलिए चलते हैं अपनी आम जनता की राजधानी, जो कि खड़ी है प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर, शाम को हर दिन चलती है 5:30 पर, और अगले दिन हमें उतार देती है राजेंद्र नगर टर्मिनल यानी पटना सुबह 6:30 पर। ये देखो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन कितना प्यारा लग रहा है, बरसात में भी यहाँ पर रौनक है, सवारियाँ आना जाना कर रही है। इनसे बच के रहना पक्का, नहीं तो लूटामारी भी हो सकती है। सेटिंग ग्रुप से भी बच के रहना, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है सब सेटिंग से चलते हैं, ऑटो वाले भी मिले हुए होते हैं, सवारी को बिठाएंगे और बोलेंगे हम सवारी बिठा के ले चलते हैं, और आगे जो होता है उन्हीं का बंदा बैठ जाता है कि फलाने जगह जा रहे हो, डिंग की जगह जा रहे हो, क्योंकि उन्होंने कार्ड में भीड़ लगा रहे होती ना, उससे सब कनेक्टिविटी रहती है। तो इस चीज़ से भी बचकर रहें, अगर आप पहली बार आते हो ना कभी भी ऑटो करते हो तो उसका फोटो खींच लें कि भाई मैंने यहाँ पे ऑटो करा है, इसका फोटो हमेशा ध्यान रखें, और किसी को सेंड कर दें व्हाट्सएप पे, ताकि आपके साथ कुछ दुर्घटना होती है ना तो आप अटल रहोगे और सेफ रहोगे। बाकी ये पता नहीं किस चीज़ की लाइन लग रही है, मैं तो पहली बार देख रहा हूँ ये लाइन, जबकि जो लोग हैं वो यहाँ से भी जा सकते हैं, पर पता नहीं फिर भी किस चीज़ की लाइन लग रही है। फिलहाल मैं अभी सीढ़ियों से नीचे उतरा ही हूँ, और मैं उतरते के साथ एकदम चौंक गया। ये देखो भाई क्या कर रहे हैं यार। कोई बात नहीं, और ये देखो सभी के सर ही सर चमक रहे हैं। ये है आम जनता की राजधानी की सवारी, संपूर्ण क्रांति की, पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म भरा पड़ा है भाई, मानना पड़ेगा। फिलहाल देख लो एक बार टाइम, 5:01 है, और हमारी संपूर्ण क्रांति जो है प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर आ गई है, और भीड़ देखो कितनी हो रही है इस ट्रेन के लिए, राजेंद्र नगर पटना से नई दिल्ली। एसी कोच जो है ना वो आगे लगते हैं, ध्यान रखना हमेशा। ये जनरल खत्म हो गया, ये स्लीपर खत्म हो गया, S1 देख रहे हो, S1 खत्म होती हंगामा शुरू हो गया। ये है आम जनता की राजधानी, स्लीपर तक को नहीं छोड़ रहे। ओ भाई साहब, अरे चोट लग जाएगी, ऐसा ना करो यार। ये देखो देखो कितना बुरा हाल है। ओ भाई साहब, कोई गिर जाएगा नीचे। भाई एक सीट के लिए ना आप कभी ऐसी कोशिश मत करना, पता चला जाना है आपको पटना और यहीं पर हो गई दुर्घटना, इस चीज़ से आपको है बचना। देखो कितना बुरा हाल हो रहा है, ये देखो भाई साहब क्या हाल मचा दिया। ओए ओए,
वाह यार क्या हाल मचा दिया इन लोगों ने। ये तकिया वाला भाई पता नहीं जा पाएगा नहीं जा पाएगा अंदर। अब लेडीज का तो कुछ कर लो यार। वो देखो भाई अबे ऐसा क्यों कर रहे हैं यार। हमेशा ध्यान रखना, मैंने आपको बता दिया सीट मिले या ना मिले ट्रेन छोड़ देना, पर भागा थोड़ी मत करना। पता चला हाथ टूट गया या पैर टूट गया ना तो बहुत बड़ी हो जाएगी दुर्घटना। इस चीज़ से आपको दोबारा है बचना। भाई कितना बुरा हाल मचा रखा है इस संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस का। अब धक्का मुक्की मत करो, ये धक्का मुक्की करने के मानेंगे नहीं धक्का मुक्की करने वाले। ये देखो कितने हैवी हैवी बोरे बिस्तरे डब्बे डबिया सब होता है इनके पास, कैसे अंदर ही फेंक दिया। अबे ऐसा मत करो, जल्दीबाजी मत करो यार चोट लग जाएगी। अबे ओ आराम से चलो आराम से, वो धक्का मुक्की मत करो आराम से आराम से। ये हाल है आम जनता की राजधानी संपूर्ण क्रांति का, आप समझ लो मैं जो कह रहा हूँ बिल्कुल रियल कह रहा हूँ। घर बैठे आपको एक रियल सफ़र कराऊंगा, जो इस ट्रेन के अंदर मिडिल क्लास के जो लोग सफ़र करते हैं ना वो आपको घर बैठे बिल्कुल रियल दिखाऊंगा कैसे लोग बेचारे सफ़र करते हैं इस आम जनता की राजधानी में। सीट नहीं मिली, सीट मिल गई नहीं मिलेगी, हिम्मत नहीं पड़ा मेरा क्या लेगा। कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, घुस जाओ भाई, अब तो थोड़े लोग घुस गए अंदर, घुस जाओ कोई बात नहीं, घुस जाओ। एक चप्पल रह गई, दो चप्पल रह गई, क्या हो गया अरे क्या हो गया ये पता नहीं क्या हो गया भाई को। अगर आपने अपना मोबाइल फोन और पर्स संभाल के नहीं रखा ना तो दो मिनट में कट जाएगा और गले की चैन तो बिल्कुल छुपा के रहेंगे, कब उतर जाएगी पता भी नहीं चलेगा। इसके अंदर तो इतनी भीड़ है कि लोग टॉयलेट तक में घुस गए और उसी के अलावा इसके अंदर भी लोग टॉयलेट तक में घुस गए, इतना बुरा हाल है। इस टॉयलेट के अंदर भी लोग घुस गए बहुत ज़्यादा गंदे तरीके से, और इस वाले के अंदर भी लोग टॉयलेट में ही घुस गए। भाई जाना है पटना और यहीं पर हो जाएगी दुर्घटना, इसलिए ऐसे काम मत करना। किसी का बच्चा खो गया तो किसी की घरवाली खो गई और वो अंदर से चिल्ला रहा है होए होए, पर बिल्कुल भी नहीं मिल रहे। देखो लेडीज तक को इमरजेंसी विंडो से चढ़ाया जा रहा है, इतना बुरा हाल है। देखो ये है मेरा कोच S3 और इसका भी हाल देख लो आपके सामने कितना बुरा है। ये देखो इसमें भी गदागद लोग जो हैं अंदर तक खड़े हुए हैं बहुत गंदी तरीके से, और यहाँ पर पर्ची कट रही है और भीड़ देखो कितनी हो रही है अंदर, इतना बुरा हाल है। रिजर्वेशन है कंफर्म है और तुम बाहर रह गए, जनरल वाले घुस गए अंदर हैं, ये हाल है भाई बहुत बुरा। हाँ जिसका रिजर्वेशन है वो बाहर रह गया और जिसका जनरल क्लास है बिना टिकट है वो सब अंदर घुस गए, भाई बहुत बुरा हाल है इस संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस में। टाइम देख लो एक बार 5:30 हो गया और हमारी ट्रेन में कैसे बंदे लदे पड़े हैं इस संपूर्ण क्रांति के अंदर। भाई हमें भी भागना पड़ेगा आगे वाले कोच में, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी बहुत ज़्यादा। भागो भागो भागो, पकड़ो पकड़ो भाई, हाल देखो कितना बुरा है इस ट्रेन का, नई दिल्ली से ही बिल्कुल पैकम पैक। भैया थोड़ा बढ़ते चलो यार, बहुत बुरा हाल है। टिकट बनाना बंद कर देगा ना, इतना भीड़ नहीं होगा ट्रेन में, चालू में जाओ साले मर के जाओ जैसे जाओ। हेलो बस यही विश्वास से लोग चढ़ जाते हैं इसमें, और मेरी सीट है S3 में 29 मतलब इसी कोच में, पर अंदर जाने का हाल देखो कितना बुरा है। सीट दिया
वही हाल है। स्लीपर में स्लीपर में भी तो वही हाल है, स्लीपर भी जनरल ही है। इतना बुरा हाल है ट्रेन के अंदर, आम जनता की राजधानी। हाँ आम जनता की राजधानी है, आम जनता की राजधानी है ना, और आम जनता खड़ी होकर जा रही है। आम जनता की राजधानी बोलते हैं भाई से। अपनी सीट पर चलते हैं धक्के मुक्की खा करके, बाकी भीड़ देख के तो भाई बहुत डर लग रहा है यार, जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे हैं, चले जाएंगे। ठीक है भाई, चाय पटना भैया। अरे चाय वाले नहीं हूँ मैं, सीट लेने जा रहा हूँ मैं, चाय वालों की आवाज़ निकाल लूँ ताकि जगह मिल जाए, चलना थोड़ा सा। अरे भाई चलना भैया, थोड़ा थोड़ा हट जाओ, अंदर खाली पड़ी है यार, थोड़ा भैया नांग जाऊँ। ये है भाई हमारी सीट 29 नंबर। बैठाओ है, मेरा 28 नंबर है, तो मैं तो 29 में बैठूंगा। यही तो बैठा किसी को लगा काम। आओ भैया, ओ फोन वाले भैया, ओ महाराज जी भैया, हो गया कैसे फोन में ज़्यादा सीट है हमारा। कहाँ बैठे हैं आप, तो हटोगे जब तो बैठेंगे भैया, हटिएगा हटाओ भैया। लोग वाग जमीन पर बैठ गए, आम जनता की राजधानी संपूर्ण क्रांति में, जनता परेशान। और जनता परेशान, बहुत परेशान है सारे। चाय गरम है, कब बनाई थी पहले बनाया आपका बना, नहीं मतलब सुबह की तो नहीं है, कल की है भाई साहब। फिर रहने दो भाई, मत दो यार, इनका भरोसा भी नहीं होता ना भाई, कई बार चाय बच जाती है ना, सुबह गाड़ी लेट आई है, बनाई होगी ज़्यादा खिला दी। ये देखो भाई ने क्या दिखाया, मैं दिखाइयो, दिखा दोबारा क्या दिखाया था, ये देखो हमें पता भी नहीं चलना, दिखा दिखा दू सही से दिखा भाई, ये हमारा कैसे दिखा दिया हमें। चलो 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 उतार के गेट बंद कर देना, चल जाए उसके बाद बंद करना भाई गेट, वेट सारे उतरने वाले। चला चला कानपुर, बैग रेडी कर लो, बैग वाला रेडी कर लो, गेट बंद कर दिया। ओ भाई अभी मत बंद करना ना भाई, उतार जा भाई तू, नहीं मतलब चढ़ने भी है, चढ़ने मत देना भाई, भी रुक के चढ़ने मत देना।
चलो भाई चलो। अरे यार, तो फिलहाल 440 किलोमीटर का नॉन स्टॉप करने के बाद हम आ गए इंडिया के सेंट्रल रेलवे में सबसे ज़्यादा बिजी रहने वाले थर्ड रेलवे स्टेशन पर, जो कि आपको पड़ता है कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन। यहाँ पर 10 प्लेटफॉर्म है और ट्रैक है 28। इस रेलवे स्टेशन का स्टेशन कोड है CNB। और मैं आपको बता दूँ, पूरी इंडिया में सिर्फ 5 सेंट्रल रेलवे स्टेशन है, जो कि आपका पहला पड़ता है मुंबई सेंट्रल, जो कि पड़ता है आपका महाराष्ट्र में, दूसरा आपका तिरुवनंतपुरम सेंट्रल, जो कि आपको पड़ता है केरला में, तीसरा है आपका कानपुर सेंट्रल जहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ, जो कि आपको पड़ता है यूपी में, और चौथा है आपका चेन्नई सेंट्रल, जो कि आपको पड़ता है तमिलनाडु में, और पांचवा है आपका मैंगलोरू सेंट्रल। बाकी मैं आपको बता दूँ, पूरे पाँचों के पाँचों मैं घूम चुका हूँ। बाकी अपनी ट्रेन का यहाँ पर 8 मिनट का स्टॉप है, और यहाँ से इसके लोको पायलट यानी ट्रेन के ड्राइवर भी चेंज हो जाएंगे। बाकी मिलते हैं सुबह, क्योंकि अब रात में कुछ भी दिखाने को नहीं है। कानपुर रेलवे स्टेशन है जो कि निर्धारित समय से 10:27 पर हाँ, यानी 5 मिनट हमारी ट्रेन जो लेट आई है। अब रात के 2 बजे आएगा हमारा मिर्ज़ापुर, उसके बाद है भाई मुगलसराय, फिर आरा और सुबह पटना। तो जहाँ तक कोशिश करेंगे कि जहाँ पर हमारी आँख जल्दी खुल जाए वहाँ पर आपको दिखाएंगे, क्योंकि कल मुझे निकलना है केरला पटना से। तो कोशिश करते हैं सुबह मिलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट, और बाकी इसका डिपार्चर आपको जरूर दिखाते हैं। कैसे कैसे लोग सो रहे हैं भाई, चप्पल यहीं पे रख के जाना, यहाँ पे रख देना सिर्फ, मेरी चप्पल खो जाएगी, बहुत जगह जाना है मुझे, यहाँ रख देना भाई, ठीक है। चप्पल लेने जा रहे हैं चलिए चलिए। आओ बच्चों, चला भाई चल दिए भाई। गुड मॉर्निंग आप सभी को, आप सभी का स्वागत है पटना के राजेंद्र नगर में, जहाँ तक हमारी गाड़ी बिल्कुल खाली हो चुकी है। और बाकी कैसी लगी जर्नी एक बार जरूर बताना भाई। मैं पहली बार आपको रियल बताऊंगा, ये जो ट्रेन है ना बिहार आने के लिए पटना तक के लिए दिल्ली से, बहुत ही बढ़िया गाड़ी है। यहाँ तक कि दोपहर में श्रमजीवी भी चलती है, पर वो गाड़ी अभी तक यहाँ पर नहीं आई, और ये गाड़ी शाम को चलती है 5:30 पर, ये गाड़ी सुबह 7:15 पर यहाँ पर आ चुकी है अपने निर्धारित समय पर। अभी आप सोचो कि कितनी बढ़िया गाड़ी है, सिर्फ 5 स्टेशन है इसके, भीड़ भाड़ भी होगी तब भी एडजस्ट कर लेना यार, 5 स्टेशन ही तो जाना है, तो भाई आदमी सोचता कि चलो कर लेते हैं एडजस्ट। तो बाकी मिलते हैं अगली ट्रेन जर्नी में। आज मेरी ट्रेन है यहाँ से शाम को 4:30 पर, और वो भी 62 घंटे बाद मैं पहुँच जाऊँगा केरला के एर्नाकुलम। तो वो भी RAC सीट है, वो भी कवर करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, और आज ही के दिन है, और आज मैं सोच रहा हूँ, आज मेरी सफ़र है। तो मिलते हैं अगली ट्रेन जर्नी में, तब तक के लिए हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो, और मेरे साथ घर बैठे एक रियल वाला सफ़र तय करते रहो। अगर आपने हेडफोन लगा रखी है, लीड लगा रखी है, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, और रियल ट्रेन का जो ट्रैक साउंड है ना वो भी सुनाई देगा भाई। मैं आपको रियल बता रहा हूँ, मैं घर बैठे एक ऐसा सफ़र कराता हूँ कि ताकि आप घर बैठे रियल में ट्रेन में बैठ के सफ़र कर रहे हो। तो ठीक है, मिलते हैं अगली ट्रेन जर्नी में, टाटा एंड बाय। जो लोग मेरे से बात करना चाहते हैं वो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, राहुल बाबा की मस्ती के नाम से। आप जैसे मुझे मैसेज करोगे आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जैसे मुझे फॉलो करोगे आपके पास एक लिंक आएगा, उस पर क्लिक करोगे, उसमें टाइम आया कि किस टाइम तक मैं अवेलेबल रहता हूँ, वहाँ पे क्लिक करके आप मुझे फ़ोन कर सकते हो और चैट में बात भी कर सकते हो। ठीक है, टाटा एंड बाय, मिलते हैं अगली ट्रेन जर्नी में। और हाँ,
हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो। और हाँ, स्वच्छ रेल स्वच्छ अभियान में सभी का साथ दीजिए। ये नहीं कि गुटखा खाकर आपने फेंक दिया, हाथ धोने वाला पूरा भरा पड़ा, नहीं, बाहर फेंक दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर ट्रेन को साफ सुथरा रखो। ठीक है, मिलते हैं अगली ट्रेन जर्नी में। टाटा एंड बाय।